Hello friends, welcome back CADCOM Lab. आज हम फोटोशॉप में सीखेंगे कि लाइट रेज कैसे क्रिएट की जाती हैं फोटोज पे, कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले हम लोग इमेज को ओपन कराते हैं. फाइल ओपन. इमेज को सिलेक्ट करने के बाद ओपन. मैंने बताया था आपको, जो कोई भी इमेज ओपन होती है सबसे पहले हमें उसे अनलॉक करना होता है. एंड अनलॉक करने के बाद कंट्रोल जे मतलब कॉपी क्रिएट करना. मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए अगर आपको नहीं पता है आप इसको नोट कर लीजिए. लेयर की कॉपी क्रिएट करना मीन्स कंट्रोल जे. इसके बाद मैं क्या करता हूं कि जो हमारी लेयर है बॉटम वाली, इसको मैं ऑफ कर दूंगा. इसके बाद फिल्टर में आएंगे, ब्लर गैलरी. यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास अलग अलग जिनका मैं यूज करूंगा. मुझे किस पे वर्क करना है, ये जो लाइट इफेक्ट आप देख रहे हैं, सन की रेज जो देख रहे हैं, मुझे इस पे काम करना है. सेलेक्ट ऑप्शन पे आइए, कलर रेंज. मैंने कलर रेंज पे आया, कलर को पिक किया और अपने अकॉर्डिंग फूजीनेस सिलेक्शन को मेंटेन किया. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट कर रहा हूं. सेलेक्ट कलर रेंज, देन ये आपको नजर आ रहा है कर्सर. मैंने कलर को पिक किया, फूजीनेस सिलेक्शन एरिया इंक्रीज कर दिया. अब मैं इसमें क्या करूंगा, कंट्रोल जे से कॉपी क्रिएट करूंगा. देखिए हमारी कॉपी क्रिएट हो गई, पता नहीं चलेगा. ये देखिए कंट्रोल जे, देखिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूं. ये हमारी लेयर. अब मैं क्या करता हूं, एक ऑप्शन आता है फिल्टर में, ब्लर रेडियल ब्लर. फिल्टर ब्लर रेडियल ब्लर जूम अमाउंट 100 क्वालिटी बेस्ट. एंड ये हमारी पोजीशंस है जो हम फिक्स करते हैं सन के अकॉर्डिंग, मींस सन की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ सन. मैं थोड़ी सी हाइट लेता हूं, ओके करता. इतना करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें. ये आएगा हमारा फाइनल इफेक्ट. अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही कंट्रोल जे करूंगा, वेरी गुड, ये देखिए हमारा सन की रेज कुछ इस तरह क्रिएट होंगी इसमें. अब मैं क्या करता हूं कि दोनों लेयर को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके मर्ज कर दूंगा दोनों लेयर को, मर्ज लेयर. देन इरेजर टूल. इरेजर टूल लेने के बाद ओपेसिटी बहुत लाइट, जो पार्ट्स हैं इसके. Then again, and erase, बहुत ही lightly erase करना है आपको. Then erase. अब कुछ डिटेलिंग पे आते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे कुछ शेडोज आ रही हैं प्रॉपर हमारे इस वाले पार्ट पे. हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, अगर मुझे यहां पे देना है कुछ शेडोज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेयर क्रिएट कीजिए, आई ड्रॉपर से उस कलर को पिक करिए. जो हाईलाइटेड कलर हो हमारा उसको ब्रश टूल लीजिए, साइज इंक्रीज करिए जहां पे बनानी है. हाँ ओपेसिटी थोड़ी सी ये. इतना करने के बाद नॉर्मल से ऑप्शंस लेंगे कलर डोज, देन कुछ इफेक्ट हमारा चेंज होगा. इसके लिए फिर मैं डबल क्लिक करूंगा,
बॉटम में एक ऑप्शन मिलेगा स्टाइल्स में अंडरलेइंग लेयर। हम अंडरलेइंग में क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं अंडरलेइंग लेयर को। कैसे, ऑल्ट को प्रेस करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। वेरी गुड, ये देखिए हमारी कुछ इस तरह सॉफ्ट शेडोज क्रिएट होंगी एक रियलिस्टिक फॉर्म में लाइट एंड ओके। मैं थोड़ा सा ऑल लाइट ओके ऑफ जूम करके देखते हैं। ऑफ ऑफ, यह है हमारी बिफोर फर्स्ट पिक्चर और क्रिएट करने के बाद कुछ ये इफेक्ट। रेस को हम थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं। गुड, सो फ्रेंड्स कैसा लगा लाइटिंग रेस का ये थोड़ा सा ट्यूटोरियल, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जो डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, कमेंट्स करिएगा, बताइएगा और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।